रोल। गिरीश डॉक्टर मुकेश अनारे वंशी संस्थापक आदि धर्माचार्य राष्ट्रीय मुख्य संचालक आदि धर्म अनारे समाज आधार संस्कृत केंद्र संगठन भारत और चीफ पैटर्न अनारे भारत संविधान बचाओ आंदोलन भारत। आज ये जो परम गुरु पूर्णिमा है ये अनारे समाज के जितने भी आप चित्र में भी देख रहे हैं इन महापुरुषों को आज गुरु पूर्णिमा के ये सत्संग उनको समर्पित है, क्योंकि गुरुओं की ही बदौलत गुरुओं ने ही रास्ता दिखाया हमें और हम लोग आगे बढ़े। और सबसे प्रथम जो आदि धर्म गुरु है, जो विश्व के गुरु हैं, वो ईश्वर वाल्मीकि दयावान है। और ईश्वर वाल्मीकि दयावान के बाद इस संसार में वाल्मीकि नाम का नाम चलाने वाले उन गुरुओं को आज हम लोग यहाँ समर्पित करने के लिए आज का आदि धर्म मना रहे सबसे उनकी शान में ये उनकी याद में उनको समर्पित है। क्या कुछ हुआ है, कौन कौन सी कीर्तन मंडली आई हुई है, क्या कुछ रखी है? आज चंडीगढ़ से भजन पार्टी आई हुई है और जयपुर से भजन पार्टी आई हुई है और हमारे चेयरमैन चंडीगढ़ से पूर्व चेयरमैन भगवान वाल्मीकि शोभा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनारे समाज संविधान बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिलू वाल्मीकि जी वो यहाँ उपस्थित हैं और बहुत ही गरिमा में उपस्थित में हमारे रणवीर सिंह वैद्यवान जी जो शिमला से जो प्रांतीय कन्वीनर है वो यहाँ उपस्थित है और नारी शक्ति की जो नांगी मोहम्मदा जी हैं जो जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है यहाँ संविधान बचाओ आंदोलन भारत की और जिला अध्यक्ष सुनीता टांगी नांगी सुनीता टांगी यहाँ उपस्थित है और हमारे जसवीर जी जो इसी पिन से हैं इनका रात इन्होंने जब सोशल मीडिया पे देखा तो इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और एक छोटा सा पैसा भी बना के लोगों को दिया। तो ये आज का जो सत्संग है इस सत्संग का जो माध्यम है वो है अंधविश्वास नशाखोरी और एजुकेशन देना। अभी हम कांवड़ पे यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कांवड़ पे भी प्रवचन होगा और ये सत्संग क्यों किया जा रहा है इस पर भी प्रवचन होगा। सबसे प्रथम गुरु कौन है इन चार पांच गुरुओं के बारे में यहाँ भी बताया जाएगा इस बाइट के बाद। तो मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अन्य जो अतिथि हैं उनसे भी आप बैठिए। धन्यवाद। जय वाल्मीकि जय अम्बेडकर। विजय जी क्या कहना चाहूँगा सर, आज जो प्रोग्राम हो रहा है किस जगह पर हो रहा है थोड़ा उसके बारे में? पहले तो समस्त भारतवासियों को मेरी तरफ से जय वाल्मीकि जय भीम। मैं बिल्लू वाल्मीकि मोहाड़ी से वाल्मीकि शोभा यात्रा का पूर्व चेयरमैन और जी संविधान बचाओ आंदोलन भारत का वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल का पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल के हमारे लिए और हमारे समाज के लिए इधर समाज के लिए हमारे भाईचारे के लिए आपने इतना टाइम निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज सत्संग को कराया गया है ये पिंड चुरहेड़ी में है कमेटी सेंटर यहाँ पे कराया गया है और ये इसका हमारा जो सत्संग कराने का जो मकसद है या आप हमारा एक मिशन लगा सकते हो या हमारा एक आंदोलन लगा सकते हो सिर्फ ये है कि अपने समाज अपने भाईचारे को और 36 बिरादरी के जो हमारा भाईचारा हमारे साथ चलता है उनके साथ एकता बनाने का अपनी ताकत को दिखाने का जो हमारी ताकत है उसको मेरे हिसाब से भारत में पता चले कि हाँ भाई वाल्मीकि बिल्कुल आपको किस तरह कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाल्मीकि समाज को अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है कुछ ऐसी चीज़ें नहीं उनको पता कुछ चीज़ों के लिए भी सत्संग में मतलब उनके जरूरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया हमारे से तो उसका जवाब हम देंगे। वाल्मीकि समाज हुआ और रविदास समाज हुआ ये दो अलग नहीं है, समाज एक ही है, एक ही भाईचारा है। भाईचारा देखो पूरे भारत के अंदर हमारा है पर ये जो दो कह रहे थे ना अभी जो वायरल हुई थी जिसका नाम था अमरीक सिंह बाजवा उस बंदे ने हमारे समाज को और हमारा जो रविदास भाई जिनको उसने चमाया अगर हो ना भाई अगर हम कहना चाहते हैं अगर आप में दम हो तो हमारे को आप मिलो। ये चेष्टा आप फोन पे बैठ के मत करो, आप हमारे को बताओ कि कहाँ मिलना है, कौन से स्टेट में मिलना है और कौन से शहर में मिलना है, कौन से गांव में मिलना है। आप हमारे को एक बार मैसेज दे देना, हमारा पूरा समाज आपके पास पहुँचेगा और आपसे पूछेगा। यहाँ पे बैठी है मैं गलत नहीं मैं बोलूँगा भावनाओं को ठेस पहुँचाना या ऐसा मतलब देना जिससे कि समाज में कुछ
ऐसा माहौल खड़ा हो जाए जिससे कि आंदोलन होने लग जाए? नहीं सर, देखो मैं इस चीज़ को नहीं, ये गलत है। अच्छा मेरे को बताओ, हमारे भारत के अंदर कितनी बिरादरी आ जाती है बताओ आप मेरे को? ये वाल्मीकियों के और रविदासियों के साथ ही क्यों होता है? वाल्मीकियों के रविदासियों के साथ ही क्यों होता है? ये पूर्वी तो कास्ट है, वो अपने आप को जट बता रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं से जट है? शायद आपने वो वीडियो देखी या नहीं देखी, मैं नहीं कह सकता इस बात को, पर मेरे हिसाब से आपने हमारे से पहले आप तक वो वीडियो पहुँच गई होगी। है सत्संग के बारे में सवाल, सत्संग समारोह देखो जी, संगत हमारे बहुत आई है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि जो दूर से आते हैं, देखो आपको पता ही है उन्हें भी और भी काम होता है, तो सत्संग में आ भी रहे हैं। हमारे जो भाईचारा है, हमारे समाज के, अदर समाज के हैं, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सत्संग हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी यहाँ तक कम से कम भी 9 बजे तक यहाँ पे चलता ही रहेगा आना जाना, तो सत्संग हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। और सत्संग हमारा करवाने का एक मेन मकसद ये भी है कि हम पूरे भाईचारे को ना एक संदेश देना चाहते हैं, और जो हमारे समाज पे, हमारे भाईचारे पे उंगली उठाना चाहते हैं, हमारे को आपस में भड़काना चाहते हैं, वो एक बात कान खोल के सुन ले आपके चैनल के माध्यम से कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। जो हमारा भाईचारा बना हुआ है, जटों के साथ भी है, जो मोमडन है उनके साथ भी है, सिखों के साथ भी है, अदर समाज के साथ भी है, तो जो अगर हमारा भाईचारा वो बिगाड़ना चाहते हैं तो वो उनकी बहुत गंदी सोच है, हम उसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है, और आज यहाँ पर बिल्लू जी ने, हमारे बिल्लू वाल्मीकि जी साथी ने भी बताया है, यहाँ पर इन्होंने एक अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए एक सत्संग का प्रोग्राम जो किया था, और जो भी विषय आपने पूछे हैं मैं उन विषय पर ना ध्यान केंद्रित करते हुए यही कहूँगा कि आज जो ये हमारा एक सत्संग समागम है, इस सत्संग समागम के उद्देश्य से ही हम बात करना चाहेंगे, ना कि हम किसी और विषय पर बात करें, क्योंकि वो कोई और विषय होएगा। आप आना जयपुर नगर काउंसिल, वहाँ पर मेरा ऑफिस है, वहाँ पर बैठना आना, और जो भी आपने बैठ लेनी है वो बैठ हम देंगे, मगर फिलहाल आज हम सत्संग के ही विषय में बोलेंगे, क्योंकि सत्संग करा रहे हैं, सत्संग होना चाहिए, और इस सत्संग से ना कि वालिंगटन समुदाय, हर एक समुदाय को सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में बैठ के सबका संग, सत्संग का मतलब है सबका संग, सत्य का संग, तो सत्य से जुड़ा रहना चाहिए। जीवन में कभी ना कभी अपने घर के आंगन में, घर में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में गुरुओं का सत्संग होना चाहिए, परमात्मा का नाम सुमरण होना चाहिए, ताकि हमारी जो आत्मा है कहीं ना कहीं ये जो विचलित होती है ये विचलित ना हो पाए, कहीं ना कहीं गुरु चरणों से रहना चाहिए, क्योंकि लोग भगवान भी कहते हैं, भगवान ने भी गुरु को माना है, तो गुरु प्रथम है, गुरु गोविंद है, गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो और जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि विद्यावान है, पूरे ब्रह्मांड के प्रथम वो एक परमात्मा हुए हैं, जिन्होंने क्रोध पक्षी का जो वध हुआ, क्रोध पक्षी के वध होने पर उन्होंने संस्कृत का जो एक मतलब उद्देश्य निकाला, अगर भारत के अंदर विश्व भर के अंदर संस्कृत कहीं से आई है तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि विद्यावान जी के मुख से निकले हुए शब्द हैं संस्कृत के, नहीं तो संस्कृत के बारे में किसी को भी नहीं पता था पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो वे हमारे नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड के परम पिता परमात्मा। मेरा नाम गुरचरण सिंह है और मैं चंडीगढ़ से, और आज अपना मोहाली में जो बिल्लू जी ने अपना एक सत्संग का आयोजन किया, तो सभी को एक मैसेज मिला था कि भी आप सबने पहुँचना, मैं समझता हूँ कि आना भी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे प्रदीप जी ने बताया कि सत्संग एक मन को एक अभी तो आज एक सत्संग में आके अलग ही आनंद मिलता है, ये तो आप देख सकते हैं कितने बच्चे, महिलाएँ, पुरुष सभी बैठे हैं, बड़े अच्छे तरीके से बैठे हैं, तो अच्छा लगा, हम भी आते हैं यहाँ पर, और बाकी एक मैसेज हम यही देंगे जो हमारे नौजवान साथी हैं जितने भी, कि अगर जो हमें अपने आप को, अपने बच्चों को अगर जो हमने आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें शिक्षा के प्रति उस पर जोर देना पड़ेगा, और नशे के प्रति हमें दूर होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह दें अपना जो दूसरे लोग रहे उन्होंने हमेशा SC ST समाज को हमेशा इन चीज़ों में डाल के रखा कि भाई ये समाज आगे ना बढ़ सके, पर आज का जो नौजवान व्यक्ति है वो जागरूक है,
वो पढ़ चुका है। और आज सबसे बड़ी मेरी सबसे यही अपील है जितने भी आज नौजवान साथी हैं कि आज आपके हाथ के अंदर एक फ़ोन है, हाथ आप किसी भी चीज़ पे सर्च मारो, चाहे वाल्मीकि जी हों, भगवान रविदास जी हों, अम्बेडकर साहब हों, कोई भी हो, भगवान और सभी धर्म समान है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों ने एक होना सिखाया। पर कहीं ना कहीं राजनीतिक तत्वों द्वारा उसको खंडित किया जाता है, आपस में लड़ाया जाता है। पर मैं फिर एक ही बोलूँगा यही बात सभी से कि आप सब मिल के चलें, एक होकर चलें, सबका संग करके चलें, आज ज़रूरी है अपने आप को पहचान। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पिंड के सरपंच ने यह उपलब्ध किया है कि बाबा जी द्वारा बाबा जी का भी आप स्वागत कर रहे हैं कि वो इतने सारे पिंड पहुँचे। जो सत्संग है अपने समाज में जोड़न वास्ते है, सत्संग बहुत समाज के भी होंगे ने, पर मैं एक गल का दुख है कि सारे समाज के लोग नहीं पहुँचते, क्योंकि जातिगत तौर पर जिस तरह काफ़ी ज़्यादा किया जाता है साढ़े समाज में। लगता है कि बावी सदी से आपका एंटर कर गए, प्रवेश कर चुके हैं, उसके बावजूद भी हजे जागरूक होने की लोड़ है लोगों को? हाँ बिल्कुल, जागरूक होने की बहुत जरूरत है। तो भगवान वाल्मीकि जी सिर्फ एक दिन याद किया जाता है, बट ये साढ़े पिंड तीजा प्रोग्राम है, तो सानू लगता है भी आने वाले टाइम के चंगा संदेश होएगा कि साढ़े समाज में जुड़ना चाहिए नाल, तो जो भी शरारती तत्व साढ़े समाज में या साढ़े दर्शक ठेस पहुँचाते हैं, तो असं उन्होंने बारे सख्त एक्शन लेंगे। बिल्लू जी ने चंडीगढ़ के एस एस पी साहब को कंप्लेट भी दी है, तो एफ आई आर दर्ज हो चुकी है, जो तुम सवाल किया था, तो मोहाली के भी कंप्लेट दर्ज हो चुकी है सोनी साहब। मतलब हम समा आ गया है कि मतलब बर्दाश्त करने की गल तो बाहर हो चुकी है, जवाब देना मतलब सही है? बिल्कुल, जवाब तो असी पुराने टाइम तो योद्धे हैं, तो सानू कुछ याद करने की लोड़ नहीं है। भाई जत्ता जी तो लैके साढ़े सिखलाई रेजीमेंट है, सिखलाई रेजीमेंट जी मतलब जी टेक्नोलॉजी है वह असी लाभ लैके चंगे तरीके असी अगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाला समा साडा है, तो बाबा साहब के जोड़े पूरने पर असं चल रहे हैं, तो भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की जी सोच है उसनों असं अगे बढ़ा रहे हैं सारे रल मिल के। तो मैं बिल्लू वाल्मीकि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने आके इतने साड़ी शोभा बधाई है, साढ़े लोगों को जागरूक करने। थैंक यू।